नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको कल्पना चौधरी चैनल पे। तो आज की वीडियो है मुड़ी घंट, और इसको बनाने के लिए मैं मछली की एक बड़ी मछली की माथा और चावल ले लूँगी। और इसके लिए मसाला जो चाहिए देख सकते हो, जीरा, अदरक, लहसुन, गरम मसाला, काचा मिर्च और तेजपत्ता और प्याज, मैंने उसको छोटी छोटी करके कट कर लिया। और चावल देख सकते हो, छोटे छोटे चावल है। इसको इस चावल को मैं क्या कर लूँगी, पानी पे भिगो के कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। अभी इस रुई मछली की माथा को मैंने थोड़ी सी फ्राई करके रखी थी पहले से। अभी कढ़ाई गरम करके उस मछली की माथे को मैं तोड़ के इसके अंदर अच्छे से और नमक और हल्दी दे के फ्राई कर लूँगी। देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से इसको तोड़ दिया। अभी उसको क्या करना है, अच्छे से नमक हल्दी दे के फ्राई कर लेना है। अभी ये फ्राई हो चुकी है, मुझे इसको एक बर्तन पे उठा लेनी है। अभी ये सब मैंने एक बर्तन पे उठा लिया। अभी अदरक, जीरा, लहसुन, सूखा मिर्च पेस्ट, तेज पत्ता, गरम मसाला, काचा मिर्च, सूखा मिर्च मैंने ले लिया और प्याज, टमाटो। अभी मैं कढ़ाई के अंदर तेल दे दूँगी। अभी इस तेल को गरम करने की छोड़ दूँगी, गरम हो चुकी है। अभी गरम मसाला मैंने इसके अंदर दे दिया और तेजपत्ता, सूखा मिर्च और जीरा मैं इसके अंदर दे के थोड़ी सी ब्राउन करने के बाद मुझे इसके अंदर जो प्याज मैंने कट करके रखी थी अलग से, उस प्याज कुची को इसके अंदर दे दूँगी। अभी इसको अच्छे से फ्राई कर लेनी है ब्राउन करके, हल्दी और नमक दे के। मैं प्याज के अंदर हल्दी दे देती हूँ, और हल्दी देने के बाद मुझे इसे थोड़ी सी फ्राई कर लेनी है। अभी फ्राई हो चुकी है, मैं इसके अंदर जो काचा मिर्च रखी थी उसको दे दिया। इसको थोड़ी सी फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर नमक दे दूँगी, और नमक मैं अपने हिसाब से दे दूँगी, जो चावल है उसके हिसाब से। लहसुन को मैंने दे दिया, उसको अच्छे से फ्राई कर लेती लेना है मुझे। और लहसुन फ्राई करने के बाद और जो मसाला है एक एक करके मैं दे दूँगी। जीरा मैंने दे दिया, जीरा पेस्ट। इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद मुझे और मसाला दे देनी है, टमाटो मैंने जो कट करके रखी थी वो भी मैं इसके अंदर दे दिया, ताकि टमाटो के पानी से ये मसाला जो है अच्छे से फ्राई हो जाए। अभी अदरक भी मैंने दे दिया। मिर्च पेस्ट वो इसके अंदर दे दिया, मुझे इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेनी है। अभी फ्राई हो चुकी है, मुझे इसके अंदर जो मछली फ्राई करके रखी थी वो दे दूँगी। अभी इसको भी अच्छे से फ्राई करने के बाद मुझे इसको अच्छे से मसाला के साथ फ्राई कर लेनी है। उसके बाद जो चावल मैंने भिगो के रखी थी मैं इसके अंदर दे दूँगी। अभी मसाला फ्राई हो चुकी है, मैं इसके अंदर चावल जो भिगो के रखी थी वो दे दिया। अभी इसको भी मुझे एक साथ भून लेना है, और उसके बाद मैं पानी डाल दूँगी।
अभी ये हो चुकी है। अभी इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी, थोड़ी सी ज़्यादा देर देनी है क्योंकि चावल जो है उसको पकाने के लिए मुझे पानी डालनी है ज़्यादा, और भी मुझे पानी दे देनी है थोड़ी सी, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक दूँगी। अभी होने तक मैं जो गरम मसाले मैं उसको पेस्ट कर लेती हूँ, दालचीनी, इलायची, लौंग। अभी मुझे इसको ढक देनी है, कुछ देर बाद मैं देख रही हूँ कि कैसा हुआ है। देख सकते हो थोड़ा बहुत हो चुकी है। मुझे इसकी जो पानी है और सूखा देनी है थोड़ी सी, क्योंकि जो गरम मसाला मैं पेस्ट करके रखी थी उसको मैं इसके अंदर दे दिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अभी इसके बाद मुझे फ्राई किया हुआ जो दालचीनी, लौंग, इलायच, जीरा और जायफल, जायत्री का जो पेस्ट है मैं इसके अंदर दे दिया, और घी भी मैं इसके अंदर दे दूँगी। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ, आप चाहे तो दे सकते, नहीं तो अवॉइड कर सकते, लेकिन चीनी देने से अच्छी लगती है इसका टेस्ट। अभी रेडी हो चुकी है मेरी मुड़ी घंटों, और इसके ऊपर मुझे कुछ नहीं देनी है, मैं इसको उठा लेती हूँ बर्तन पे। कैसा हुआ है आप लोग ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट कीजिए, और बॉस लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब तो साथ में ज़रूर कीजिए। टाटा बाय बाय, आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।